Hello friends, good morning. काव्य आपने समझ लिया होगा बराबर। आज हम उसके प्रश्न लिखते हैं। परीक्षा की तैयारी करते रहना और परीक्षा में ध्यान से समझकर अच्छे अक्षर से लिखना बराबर। आज की ये जो कविता है वो आपको मुखपाठ करनी है और उसके प्रश्न भी लिखने होंगे। तो अभ्यास के पहले प्रश्न पर हम जाते हैं। पहला प्रश्न है, टेप रिकॉर्ड या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूहगान कीजिए। हम साथ में मिलेंगे तब ये श्रवणगान करेंगे। तब तक आप घर पर मुखपाठ कर लो और आप वहीं पर गाते रहो बराबर। अब प्रश्न दूसरा, क्या होता बताइए। तो उसमें पहला प्रश्न है, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता। आजकल मोबाइल हमारे लिए बहुत अत्यंत उपयोगी हो गया है, तो उसकी खोज नहीं होती तो क्या होता, वह हमें लिखना है। तो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन यानि जो हमारा घर पर लैंडलाइन कहते हैं वह होता, और उसके ऊपर सब लोग पहले फ़ोन करते थे ना, तो वह लैंडिंग फोन अथवा तो पीसीओ, बाहर जाकर पीसीओ के ऊपर से एक रुपये का सिक्का डालकर फिर बात करते थे, वह पीसीओ के फोनों पर आधार रखना पड़ता। और हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। सही बात है ना। आजकल तो हम कहीं पर भी जाते हैं, फ़ोन लेकर जाते हैं, कुछ मुश्किली हुई तो तुरंत वह हल कर देते हैं। तो जो मोबाइल नहीं होता तो ये सब सुविधाएं हमें मिलती नहीं बराबर। अब दूसरा, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो समय और शक्ति ये दोनों चीज़ की ज़रूरत हर रोज़ रहती है, सबको रहती है, और जो उनका उपयोग नहीं करते तो क्या होता, वह लिखना है। तो यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती बराबर। देश ने समय और शक्ति का उपयोग किया है और हम भी हमारे घर में हमारे चीज़ के लिए समय और शक्ति का उपयोग करते हैं, जिनका परिणाम आप लेते हो बराबर। तो यहाँ पर ये कहना है। अब तीसरा क्या है, तो यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो, यानी कि वह नहीं होता तो क्या होता। तो यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती। कितनी सहज तरह से हम सभी प्रश्न हल कर लेते हैं, किससे, इंटरनेट से, है ना, फैक्स से, कंप्यूटर से, तो आज वह नहीं होता। समझ गए। तो यहाँ पर ये लिखना है। अब तीसरा प्रश्न क्या है, कि दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। समान प्रास वाले यानि अंत का जो शब्द होता है तो दूसरे शब्दों में भी वही अक्षर या शब्द आना चाहिए। यहाँ पर है
लिखावट तो उसके जैसा ही देखो, रुकावट वट शब्द आया, सजावट वट शब्द आया, वैसे ही आपको नौकरानी, आर्थिक, नायिका और चुनाव उनमें लिखना है। तो क्या लिखोगे? नौकरानी तो देवरानी, सेठानी, जेठानी, है ना, बहुत सारे ऐसे नी शब्द आने वाले, नी अक्षर आने वाले शब्द है, उनमें से कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हो। वैसे ही आर्थिक तो सामाजिक, मानसिक, है ना, तार्किक, धार्मिक, तो ऐसे शब्द आप ले सकते हो, एक आना चाहिए। नायिका तो गायिका, लेखिका, सेविका, आपके ध्यान में जो कोई और शब्द हो ऐसा, का आने वाला, ई का, सिर्फ का नहीं, ई का, तो ये शब्द आप लिख सकते हो। फिर है चुनाव, तो चढ़ाव, पड़ाव, तनाव, सुझाव, आव, आव अक्षर आए वैसे शब्द आप लिखोगे, बराबर। अब स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। तो स्वाध्याय के प्रश्न में पहला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो कंप्यूटर और इंटरनेट क्या लाभ हुए हैं उनसे, वो बताना है। तो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई जहाज की टिकट बुक करा सकते हो। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है, है ना। सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, तो वो वरदान रूप हुआ है कि कोई भी कार्य हो तो आज हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। अब तो इंटरनेट जानकारी का भंडार है, कंप्यूटर तो है ही, तो इंटरनेट क्या है, जानकारी का भंडार है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आने वाली जानकारी या फिर हो गई हुई जानकारी, दोनों जानकारी आपको तुरंत मिल सकती है। किससे? इंटरनेट से। तो इंटरनेट जानकारी का भंडार है, इससे किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। प्रामाणिक यानी सही जानकारी हमें मिल सकती है। तो ये हमारा कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों का अंतर है। अब समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। संदेशा लेना है, देना है, बराबर, किसी को कुछ कहना है, तो हम इसके जरिए संदेशा व्यवहार कर सकते हैं। हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? निर्माण यानी खड़ी करेंगे। कैसे खड़ी करेंगे? तो हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है ना, तो उसका सही उपयोग करके
हम नया निर्माण करेंगे। क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? यश यानी हमारी नामना पा सकते हैं। कैसे? तो हम पिछड़ेपन को, हमारे हम जो पीछे रह गए हैं, हमारा जो पिछड़ापन है को छोड़कर, ईगो है हमारे में, जो घमंड है, अभिमान है, वो सब छोड़ दो और आगे बढ़ो। बदले की भावना है वह छोड़ दो तो हम आगे आ सकते हैं। यानी कि हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में यश पा सकते हैं, हम नामना कुछ पा सकते हैं। हमें हमारा ईगो छोड़ना है। इसने ये किया है, मैं तो बड़ा हूँ, मैं क्यों करूँ, तो ये हमारा ईगो है। ऐसा नहीं, आप सबके साथ समान तरीके से रहो, बराबर। और दूसरी बात कि आप बदला लेने की भावना छोड़ दो। बहुत सारे लोगों में, इसने ऐसा मुझे किया था ना, मैं उसका बदला लेकर ही रहूँगा, ये छोड़ दो। अपना मन उदार रखो, बड़ा रखो और तब हम यश दुनिया में पा सकते हैं, हमारी नामना कर सकते हैं, हमारा नाम बना सकते हैं। तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? तो हमें टेलीविज़न का, है ना, कौन से आविष्कार है? तो टेलीफोन, टेलीविज़न, है ना, बहुत सारे आविष्कार है, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, पर इनमें से आपको कौन सा आविष्कार? तो टेलीविज़न। सबके अलग अलग हैं, तो आपको जो पसंद है वो लिखना है, पर क्यों पसंद है वो भी लिखना है, बराबर। तो टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह के, या सॉरी, तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है, है ना। देश देश की जानकारी हमें देता है टेलीविज़न, मनोरंजन करवाता है, हंसाता है। तो इस तरह से टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा है, बराबर। अब निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भावार्थ बताना है आपको। पहला है, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशियाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की, जय जवान जय विज्ञान की, जय जवान जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? तो इसके बारे में कहते हैं कि कंप्यूटर के कारण जीवन में वरदान आ गया है, बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कानें हैं जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही है। हमें कुछ हमारी मन चाही चीज मिल जाए तो कैसी खुशियाँ मिलती है। तो इस तरह से एक कंप्यूटर के ज़माने में हमें हमारी मन चाही ये कंप्यूटर, उसकी जानकारी मिल जाती है तो हो जाता है। तो जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे, यानी कि पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा से दूने गर्व से बातें कर रहे हैं कि हाँ, हमें पास तो कंप्यूटर है, अब हमें पूरी जानकारी मिल सकती है। अब दूसरा है, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे।
फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो क्या कहते हैं, चले समय के साथ, हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। हमें मानवता की गीतों की फिर शुरुआत करनी है, और इसीलिए हम जय जवान की कहते हैं, जय किसान की कहते हैं, और जय हो जय विज्ञान की। उसके साथ साथ हम हमारे विज्ञान की भी जय बुलाते हैं। बराबर समझ गए आप? तो अब तीसरा प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर, क्रांति और खुशियाली, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तो पहले लेते हैं उपकरण। तो आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं, इस तरह से आप कोई भी उपकरण लिखकर वाक्य बना सकते हो। मोबाइल, तो मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। आज परीक्षा की वजह से हम मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते। या फिर आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होने से हमें घर में अचूक मोबाइल रखना पड़ता है। लिख सकते हो, मेरे पापा ने कहा है कि आप पहला नंबर लाओगे तो मोबाइल देंगे, यानी कि मेरा पहला नंबर आने पर मुझे उपहार में मोबाइल मिलने वाला है। कोई भी आप वाक्य बना सकते हो। अब कंप्यूटर, तो मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। मैं कंप्यूटर पर अलग अलग देश की, अलग अलग चीज़ों की जानकारियाँ लेने का प्रयत्न करता हूँ या करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आए तो कंप्यूटर से जानकारी लेकर मैं समझ लेता हूँ या लेती हूँ। कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। क्रांति, क्रांति यानी हमारी जो प्रगति होती है वह। तो बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर और इंटरनेट के आविष्कार से हमारे देश में क्रांति आई है। लिख सकते हो बराबर। खुशियाली, नई गाड़ी आने पर घर में खुशियाली छा गई। मैंने मेहनत करके परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश की, इसीलिए घर में खुशियाली छा गई। चलो अब इस तरह से ये वाक्य का प्रयोग करोगे। अब चौथा प्रश्न है, चित्र देखकर अपनी कापी में वाक्य लिखिए। आपको यहाँ पर चित्र देखना है और वाक्य लिखना है उसके बारे में। तो क्या है पहला चित्र? तो लड़का पढ़ रहा है। सरल भाषा में सरल वाक्य बनाओगे आप, बराबर। तो पहला, लड़का पढ़ रहा है। दूसरा क्या है? मोर नाच रहा है। तीसरा, लड़की दौड़ रही है। फिर लड़का पानी पी रहा है। फिर लड़का स्नान कर रहा है। लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। लड़का क्रिकेट खेल रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है।
लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठा कर ले जा रहा है। बालक सो रहा है। फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। और अंत का है, लड़का पौधों को पानी दे रहा है। बराबर। तो ऐसे सरल वाक्य आप बनाओगे। अब ये कौन से वाक्य थे आपको पता है? तो यहाँ पर ये क्रिया के वाक्य थे, सबकी क्रिया बताई है। लड़का पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया है। मोर नाच रहा है, नाचने की क्रिया है। लड़की दौड़ रही है, तो दौड़ने की क्रिया है, है ना? पीने की क्रिया, स्नान करने की क्रिया, कूड़ेदान में कूड़े डालने की क्रिया, खेलने की क्रिया, धोने की क्रिया, ले जाने की क्रिया, सोने की क्रिया, सब्जी बेचने की क्रिया, तो पानी डालने की क्रिया। तो यहाँ पर ये सभी क्रियाएं दिखाई गई हैं और उनके वाक्य हैं। बराबर। तो ये समझकर आप अपने वाक्य समझोगे। बराबर। अब योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में क्या है? तो क्या कहते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके कहानी, जीवन प्रसंग, घटनाएं आदि ढूंढकर भित्ति पत्र यानी बुलेटिन, हम जो चिपकाते हैं बड़े बड़े पेपरों में लिखकर ड्रॉ करके, मीन्स चित्र दौर के, वह तो बुलेटिन पर चिपकाइए। भित्ति पत्र लगाने हैं हमें, तो आपको कोई ऐसा मिल जाए, कहानी है, जीवन प्रसंग है, वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके आपको ये ढूंढना है। अभी नहीं, अभी परीक्षा की तैयारी करोगे आप, इसीलिए अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैंने समझाया है। अब चर्चा कीजिए कि वैज्ञानिक खोज वरदान या साप। यहाँ पर आपको एक खोज निबंध के रूप से लिखना होता है, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है? तो इसके बारे में तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, जो हम बता सकते हैं। तो विज्ञान वरदान है या अभिशाप? अब उसके बारे में जो हम कहें, तो कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है। क्यों वरदान है? तो एसी, बिजली, बराबर, बिजली से चलने वाले पंखे, फ्रीज, गर्म पानी करने वाला गीजर, बराबर, लिफ्ट, और भी हमें बहुत सारे साधन विज्ञान ने दिए हैं, जैसे कि सिनेमा, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि भी विज्ञान की अद्भुत खोजे हैं। बराबर। विज्ञान के गुण गाने वालों यह क्यों बोल जाते हैं कि ये बम, मिसाइलें, तरह तरह के ड्रग्स भी विज्ञान के ही आविष्कार है,
बम विस्फोटों से जान माल की जो भयंकर हानि हो रही है वह विज्ञान का शाप है, यानी कि तब वह हमारे लिए अभिशाप है। पर जो चीज़ें हमें दी है विज्ञान ने, इसके ऊपर से तो हमें वह वरदान रूप लगता है। विज्ञान ने मानव के विनाश के साधनों का भी आविष्कार किया है, यानी कि वैसे भी बनाया क्या, हमने आगे ही कहा कि बम, ड्रग्स, इस अर्थ में वह अवश्य शाप है, अभिशाप है, परंतु उसने तरह तरह की सुविधाएं भी दी है। विनाश के साथ उसने हमें विकास के साधन भी दिए हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बराबर, अच्छाइयों के साथ बुराइयां सब में होती है। फूलों के राजा गुलाब में भी कांटा होते हैं, वैसे ही ये विज्ञान हमारे लिए वरदान तो है, तो दूसरे पहलू में वह अभिशाप भी है। तो इसका मतलब यही है कि वरदान, विज्ञान यदि वरदान है तो शाप भी है, परंतु उसके वरदान इतने हैं कि उसके शापों पर जल्दी ध्यान ही नहीं आता है और हमें उसका उपयोग ज़्यादा, यानी कि बिना समझे करना चाहिए नहीं, वरना वह हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। कुछ भी हो, आज के मनुष्य के लिए विज्ञान वरदान ही है, बराबर। तो ये आपको आपके नोट में लिखना है। अब उसके नीचे क्या है कि पढ़िए और समझिए। आपको यहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जो इंग्लिश में हम कहते हैं, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे कुछ शब्द है विज्ञान के, जैसे कि टेलीफोन, विज्ञान क्या ही है ना, अरे ये अंग्रेजी का है टेलीफोन, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, दूरभाष, क्या कहते हैं, दूरभाष, दूर भाष यानी आवाज़ जो आती है वह, तो वहाँ की आवाज़ हमारे तक आए वह टेलीफोन, दूरभाष, बराबर। अब मोबाइल, मोबाइल भी अंग्रेजी शब्द है, तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रमण भास, भ्रमण होता है हमारा भास। कैलक्यूलेटर, कैलक्यूलेटर, ल य ल क और य साथ में बोलना है, के ल क्यूलेटर, कैलक्यूलेटर, तो उसको क्या कहते हैं, गणन यंत्र, क्या, गणन यंत्र, जिससे आप गणतरी कर सकते हो वह, बराबर। अब है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को संगणक, संगणक, स के ऊपर अनुस्वार, सगणक नहीं, संगणक। फिर है टीवी, यानी कि टेलीविजन, उसका टूक में कहते हैं टीवी, तो उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शन, क्या कहते हैं, दूरदर्शन, दूर का दर्शन यानी देखना, दूर का हम जो देख सकते हैं वह चीज, दूरदर्शन, टेलीविजन, दूर का सुन सकते हैं वह दूरभाष, और वह है मोबाइल, टेलीफोन, बराबर। अब है रेडियो, तो रेडियो को क्या कहते हैं, आकाशवाणी, आकाश से आने वाली वाणी, आकाशवाणी, ऊपर बड़े बड़े यंत्र लगाए जाते हैं और उस पर से हमें सब हमारे आसपास के वातावरण का, हमारे प्रकृति का सब जो माहिती देते हैं वह आकाशवाणी। टैप रिकॉर्डर, टैप रिकॉर्डर, तो टैप रिकॉर्डर यानी ध्वनि मुद्रण यंत्र, ध्वनि मुद्रण यंत्र, ध्वनि यानी ये आवाज, मुद्रण यानी जो ले सकते हैं वह, और यंत्र यानी साधन,
आवाज जो ले सकते हैं, टेप रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्ड में टेप करते हैं ना हम, व। फिर है फैक्स, तो फैक्स यानी चित्र दर्शन। क्या? चित्र दर्शन यानी कि चित्र का दर्शन करवाता है वह, फैक्स से हमें मिल जाता है। हमें तात्कालिक जो चाहिए तो कहते हैं कि फैक्स कर दो, तो वह फैक्स यानी चित्र दर्शन, सॉरी चित्र संदेश, चित्र संदेश, चित्र का जो संदेश देता है वह। इंटरनेट, तो इंटरनेट को क्या कहते हैं? अंतरजाल। अंतर यानी अंदर, अंदर जो जाल बनी रहती है वह। मछली की जाल आती है तो मछली अंदर एक बार जाए वो फंस जाती है, बाहर निकल नहीं सकती है। इंटरनेट भी वैसा ही है, एक बार उसका उपयोग करोगे तो आप बार बार उसका उपयोग करते रहोगे, उसके अंदर इतने चले जाओगे कि आप बाहर निकलने का याद भी नहीं करोगे और आ भी नहीं सकोगे। तो अंतर जाल यानि इंटरनेट, बराबर। तो ये हमारे लेसन, पांचवे लेसन की सभी स्वाध्याय के प्रश्न हमने आज खत्म किए। अगली वीडियो में हम कुछ रिवीजन जो आपके लिए कठिन है वह देखेंगे, बराबर। तो आज आप इसके प्रश्न के उत्तर या जो कुछ भी लिखना है वह सोच समझकर ध्यान से अच्छे अक्षर से लिख लेना, बराबर। थैंक यू।